नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। केंद्र की सत्ता में दोबारा वापसी का ख्वाब देख रही बीजेपी चुनावों में किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी, किस दिशा में फोकस होगा बीजेपी की राजनीति का, पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद साफ हो गया है। नौजवान से लेकर किसान और तीन तलाक से लेकर आर्टिकल 370 तक 48 पेज के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने 75 संकल्पों को अपनी फहरिस्त में इस बड़े मैनिफेस्टो को जारी कर दिया है। उसमें सबसे ऊपर राष्ट्रवाद को जगह दी गई, मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवाद पर जारी राजनीति और गहरी होगी। हालांकि राष्ट्रवाद का यह रंग जनता पर कितना चढ़ेगा बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि बीजेपी जिन संकल्पों के आश्रय सत्ता की सिद्धि का सपना संजो रही है, उस सत्ता की रेस में उसे आगे ले जाएंगे या फिर कहीं पीछे छोड़ जाएंगे। मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी के दिग्गजों के हाथ में चमचमाता ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, वो फ्यूचर प्लान है जिसके अक्ष में बीजेपी दोबारा सत्ता की सीढ़ियां देख रही है। इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने वैसे तो हर तबके को छूने की कोशिश की है, किसान से लेकर नौजवान, व्यापारी से लेकर मिडिल क्लास तक, सबके लिए कुछ न कुछ है। मगर इन 75 संकल्पों में बीजेपी ने जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर लगाया है वो है राष्ट्रवाद। पहले बीजेपी के संकल्प के सियासी पटल पर राष्ट्रवाद का प्रतिबिंब देखिए, फिर इसका सियासी सार समझेंगे। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। सुरक्षा बलों को सुदृढ़ करेंगे, हथियारों की खरीद तेज होगी, सीमा सुरक्षा की मजबूती के लिए स्मार्ट फेंसिंग होगी। इसके अलावा संकल्प पत्र में कश्मीर प्लान भी है। अपने संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि 2019 में राष्ट्रवाद का मुद्दा ही सबसे मारक हथियार होगा, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद देश राष्ट्रवाद की लहर पर दौड़ रहा है? तो क्या इसी के बरक्स सत्ता की बिसात बिछाई गई है? राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। बीजेपी के दिग्गजों को भरोसा है कि इन 75 संकल्पों की मंजिल सत्ता की सिद्धि होगी, क्योंकि दांव सिर्फ राष्ट्रवाद पर नहीं, श्री राम, जवान, किसान और आम इंसान सब पर खेला गया है। राम मंदिर का संकल्प दोहराया गया है, किसानों के लिए पेंशन से लेकर ब्याज मुक्त कर्ज तक का वादा किया गया है। मगर विपक्ष को बीजेपी के हर इरादे पर शक है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर मायावती ने ट्वीट किया है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी करने वाली सरकार को नया घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। घोषणा पत्र जारी करने के बजाय उन्हें पिछले चुनावी वादों का कार्रवाई रिपोर्ट जारी करना चाहिए। बीजेपी का संकल्प पत्र मायावती को खटक रहा है तो कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी अनुच्छेद 370 और 35A के संकल्प पर आपत्ति है। मगर अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी बीजेपी के रामधुन का स्वागत कर रहे हैं। आप आग के साथ खेलना बंद कर दो, जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो न जम्मू कश्मीर रहेगा तो न हिंदुस्तान रहेगा। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। आज सवाल यहाँ जो है बाबरी में तो राम जन्मभूमि का है, संवैधानिक दायरे में रह करके जो है इसका काम होना के लिए जो है घोषणा पत्र आया है। हम यही चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके
इस देश में ये ऐसा एक अहम मसला है जो अगर जो है सरकार इसको तय करती है संवैधानिक दायरे में, तो हिंदू और मुसलमानों का भी ख्याल रखा जाए और इस देश में किसी को नाराज होने ना दिया जाए। जाहिर है अपना अपना सियासी माइलेज है, लिहाजा स्वागत और सवाल भी उसी लिहाज से हैं। मगर बीजेपी ने 2019 के महासमर के लिए घोड़े चारों दिशाओं में खोले हैं। हालांकि अश्वमेध वाला घोड़ा राष्ट्रवाद की दिशा में दौड़ाया गया है इस उम्मीद में कि मई में सत्ता वाला महायज्ञ हो सके, मगर सवाल ये है कि तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो में जनता की भी भलाई है या ये सिर्फ सत्ता की मुंह दिखाई के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी लंबी फहरिस्त है बीजेपी ने जो अपने वादे किए हैं संकल्प पत्र में, और पिछले मर्तबा के कुछ वादे भी बीजेपी ने एक बार फिर कर दिए जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। बहुत सारे सवाल हैं, सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाहिद लारी जुड़ गई हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सैफ खान मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। धर्मवीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ रोहित अग्रवाल भी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। पहला सवाल मनीष शुक्ला जी, सर 2014 में भी 370 हटाने का वादा किया था लेकिन वो वादा तो निभा नहीं पाए सर, एक बार फिर वादा कर दिया। मृदुल जी, हमारे संकल्प पत्र का आधार राष्ट्रवाद, सुशासन और अंत्योदय है, और हम भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने 370 का भी उल्लेख किया है, 35A का भी उल्लेख किया, और हम प्रतिबद्ध हैं। और हमारा तो नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और ये हमारी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट का विषय है। 370, 35A, राम मंदिर हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है, और हम इस पर प्रतिबद्ध हैं कि इसको हम समाप्त भी करेंगे, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को भी वहाँ सुनिश्चित करेंगे, साथ साथ और भी कई चीज़ें इस संकल्प पत्र में हैं। 2022 में जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तो ये 75 संकल्प हम पूरे करेंगे। 2014 में भी जो हमने बातें की थी उसमें अधिसंख्य हमने पूरी की है, उस समय भी हमने कुछ लक्ष्य 2022 तक के रखे थे, तो उसको हम 22 तक पूरे करेंगे। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ मनीष शुक्ला जी, क्योंकि 370 पर आपने कहा था कि हम हटाएंगे, लेकिन 2019 में फिर वही वादा होता है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हटाएंगे तो बारूद है, चिंगारी मत फेंकिए, हिंदुस्तान जल जाएगा, जिनके साथ आपने गठबंधन में सरकार चला ली। देखिए, हमने गठबंधन में सरकार चलाई ये एक सत्य है, और हमने गठबंधन को ठोकर मारी, सरकार को ठोकर मारी, ये भी एक सत्य है। हम कश्मीर के मुद्दे पे कोई समझौता नहीं कर सकते। हम कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास वहाँ हो, वहाँ कश्मीर और जम्मू भारत का भिन्न अंग है, उस वो हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने वहाँ अपना बलिदान दिया है इस विषय पर, तो निश्चित रूप से हमारे लिए विषय है वो। लेकिन साथ साथ ढेर सारे विषय हमने संकल्प पत्र में रखे हैं। बिल्कुल, हमने जो स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को देने की बात की थी, जो आयुष्मान भारत लेकर आए हैं उसको बढ़ाएंगे। हमने जो स्वाभिमान राशि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों को देने का काम किया है 2 हेक्टेयर तक के, उसमें सभी किसानों को उसमें शामिल करेंगे। मुझे लगता है मनीष जी, एक तरफ राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्रवाद आपकी प्रतिबद्धता में है, जीरो टॉलरेंस की नीति आप आतंकवादियों के लिए अपनाएंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि कुछ ऐसे वादे थे जो रिपीट हुए हैं, अब ये रिपीट क्यों हुए हैं। सैफ खान कुछ बीच में कहना चाहते थे, लेकिन सैफ खान आपको बता दूं, उनका कहना है कि आप 124A हटाएंगे, उनका कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब, आज मौका दिया आपने फिर जो है जी पे, हमारे भारतीय जुमलेबाज प्रतिनिधि और भारतीय जुमलेबाज सरकार, आप ये समझे पीडीपी के साथ जो है 2.5 साल सरकार में रही, तब क्यों नहीं हटाया था? आप कांग्रेस के बारे में 9,500 आप बोल रहे थे चुपचाप, मैं सुन रहा था, थोड़ा सक्षम रहिए, नहीं तो मुझे लगेगा आप मुझसे डर गए। क्या आप डरते हैं मुझसे? क्यों आप डरते हैं? क्या जो आप अफसा हटाने की बात करते हैं ये बताइए, 9,500 छोड़े हैं अभी और पीडीपी के साथ किया 12 साल पहले। सुनिए, घबराइए मत, ऐसे नहीं होती, घबराइए मत, मैं ये पूछता हूँ आपसे, जवाब दीजिए। 12 साल आप
चाहिए, उसके साथ सरकार किसने चलाई, ढाई साल सरकार किसने चलाई। सुनिए, अगर चिल्लाने पे मैं आ गया तो यकीन मानिए परिषद एक लफ्ज नहीं निकलेगा आपके मुंह से। सुन लेता हूं पहले मैं। सुनिए, कहता हूं टेररिज्म रैंकिंग क्या है देश की, सही बात आप हाथ जोड़ के निवेदन है, आप केवल टेररिज्म रैंकिंग क्या है देश की, आज टेररिज्म रैंकिंग क्या है देश की, आप आतंकवाद आज टेररिज्म रैंकिंग क्या है देश की, आप बताओ आज टेररिज्म रैंकिंग क्या है देश की, हटाना चाहते हो आप, घबरा गए राहुल गांधी जी आपके साथ, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए 3,750 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए, कांग्रेस है ये बताओ हमारे जवान, और आप जो है लगातार सोते रहे, आप जबकि आपकी सरकार आती है तो पार्लियामेंट पे अटैक होता है, आपकी सरकार आती है तो विधानसभा में एक्सप्लोजिव फायर किए जाते हैं, आपकी सरकार आती है तो कंधार की दीवार किडनैप होते हैं, आपकी सरकार आती है तो नुसरत आलम को रिलीज किया जाता है। मुझे बताइए क्या आपकी सरकार हमारी सुरक्षा के लिए वर्ल्ड टेररिज्म रैंकिंग के लिए, हम पाकिस्तान के नीचे आज हम जो है तीसरे नंबर पे खड़े हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? बेहतर होगा सुने एक बार सैफ खान, वो कह रहे हैं आप अफ्सपा हटाने की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, कहां ना अपनाएंगे, आप मुझे बताइए ना, चौथे नंबर पे वर्ल्ड टेररिज्म रैंकिंग देख लीजिए, जहां हम पहले चौथे स्थान पे पाकिस्तान से नीचे थे आज हम ऊपर आ चुके हैं, 3,750 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, 42% टेररिज्म जो है जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ चुका है, सबसे ज्यादा कर्फ्यू जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगा है, तो आप मुझे ये बता दीजिए 9,500 स्टोन पेटलर जो है वो पीडीपी के साथ मिलकर किसने छोड़े। सैफ खान साहब, मैं आपके दावे सच मानता हूं, लेकिन अगर ये दावे सच हैं तो फिर आप अफ्सपा कैसे हटा सकते हैं जम्मू कश्मीर में? सुनिए साहब, अगर ये दावे सच हैं तो जैसा आप बता रहे हैं सर, क्योंकि मैं क्या इसमें क्या गलत है पीडीपी के साथ, सुनिए मैं आपने सवाल पूछा मुझे मौका दीजिए, बिल्कुल पीडीपी के साथ किसकी सरकार रही ढाई साल? हाँ, वो पीडीपी जो मैनिफेस्टो में लेके आती है, ये मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं ना आज, जब हाँ। मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान की करेंसी यहां पे चाहिए, वो तो ये कहते हैं, उनके साथ सरकार किसने चलाई ढाई साल सरकार चलाने के बाद आज ये कहते हैं दफा 370 हटा देंगे, क्यों नहीं हटाया उस वक्त, केंद्र में सरकार है आपकी, क्यों नहीं हटाया आपने, वहां पे इस वक्त शासन तो है नहीं है ना, आपके वहां पे गवर्नर है, प्रेसिडेंट वहां पे आपका प्रेसिडेंशियल रूल है, आप आदेश दीजिए हर जाएगी, ये क्यों हवाओं में बात करते हैं? राम मंदिर पे बात सवाल है, सुनिए सुनिए, राम मंदिर पे बात करते हैं साहब, राम मंदिर वाले लोग सुनिए, जो भगवान रामलीला मैदान में प्रस्ताव लेके आते हैं कि भगवान राम का नाम हटाया जाए, 182 मंदिर, क्या स्टेट सरकार ने योगी सरकार ने तोड़ने के आदेश दिए हैं या नहीं, ये मंदिर बनाने वाले हैं तोड़ने वाले, आप देख लीजिए। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, किसने उठाए थे? कांग्रेस पार्टी ने सर, कहां उठाए थे साहब? वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो फ्लाईओवर बनने वाला था, बड़ा साइंटिफिक जवाब था, और आज भी सुनिए, आज भी साइंस, आज भी साइंस, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा जवाब लीजिए, हमने तो बताया नहीं, सवाल आपने पूछा मैं बता रहा हूँ आपको जवाब दे रहा हूँ, वो जो फ्लाईओवर के लिए एक साइंटिफिक जवाब जवाब हुआ था, और आज भी साइंस किसी भी रिलीजन को नहीं मानती है, बंद करवा दीजिए यूनिवर्स, ठीक है बंद करवा लीजिए, नहीं मानता है ना, हाँ नहीं मानते, आप मानते हैं साइंस, ठीक है ठीक है सर, तो सच्चाई यही है, आप सुनिए 90 जनवरी है वो कोर्ट फैसला कर देगा सर, 7 जनवरी 1993 सुनिए मित्र जी मेरी बात सुनिए, वही कह रहा हूँ सैफ खान, 7 जनवरी 1993 और भी मेहमान एक एक करके सवाल लेता हूँ, अयोध्या एक्ट हमने बनाया, राम मंदिर पे भी आऊंगा सैफ खान साहब, चिंता मत करिए, सुनिए सैफ खान साहब राम मंदिर पे भी आऊंगा, एक एक करके पहले कमेंट ले लूं, मैं रणबीर जी आपके बगल में बैठे हुए हैं, आज इनकी सच्चाई है, पहले 370 पे बात कर लेने दीजिए सर, फिर मैं राम मंदिर पे भी बात करूंगा, आप चिंता मत करिए, सब पर बात करेंगे, बिल्कुल करिए, 75 पॉइंट पे बात करिए, जितना भी समय मिलेगा सब करेंगे, रणबीर जी करिए, महिलाओं पे करिए, रणबीर जी करिए, हाउसेस पे करिए, राष्ट्रवाद हमारी प्रतिबद्धता में है, 370 हटाएंगे, किसान सम्मान निधि में देंगे, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी, सर इतने सारे वादे किए गए। मृदुल जी, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसको बीजेपी के लोग संकल्प पत्र कह रहे हैं ये एक्चुअल में कलंकित पत्र है, और आज बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस बात को कहा है कि इनको घोषणा पत्र जो पुराना इनका घोषणा पत्र था
अगर इन्होंने, मैं बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे इतना पूछूंगा कि ये मात्र दो ऐसे वादे बता दें जो पिछले घोषणा पत्र में इन्होंने कहा हो कि हम इनको लागू करेंगे और इन्होंने किए हो, मात्र दो। ये 75 वादों की बात कर रहे हैं, अभी आगे की तो ये इनकी सरकार ही नहीं बनेगी, तो ये 75-80 क्या ये एक वादा पूरा नहीं कर पाए पिछले घोषणा पत्र का? और अभी मेरे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे, ये जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं, ये अगर बाबा साहब के संविधान को पढ़ें तो इनकी समझ में आ जाएगा कि देश कैसे चलाया जाता है। मैं मृदुल जी आपको एक बहुत छोटा आर्टिकल बताता हूं। जब हमारा देश गुलाम था और बाबा साहब इस आजादी मिली और जब बाबा साहब इस देश का संविधान लिख रहे थे तो गुलामों की तरह हमारे यहाँ मजदूरों से, गरीबों से 16-16 घंटे 12-12 घंटे काम कराया जाता था। और आप चुप रहिए, आप सुनिए, आप सुनिए पहले बाबा, आप सुनिए, अरे आप सुनिए भाई साहब, आप सुनिए, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने तो बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका था। बात कर रहे हैं आप, और सुनिए मेरी बात, सरकार में हम जब 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 बाबा साहब ने लॉ मिनिस्टर बनाए, जब जब वो बाबा साहब ने कानून बनाया और उन्होंने कहा कि 12 घंटे और 16 घंटे की बजाय 8 घंटे काम लिया जाएगा किसी भी मजदूर से, किसी भी कर्मचारी से, किसी भी देश के नागरिक से, वो 8 घंटे का कानून बाबा साहब ने संविधान में लिखा, तो इस देश में 12 घंटे और 16 कई सारे कानून ऐसे हैं जिन्हें खत्म किया जा रहा है और जिन्हें खत्म करने की पैरवी की जा रही है, लेकिन उसके इतर सरकार थी। आप अपने दलित समाज के ओबीसी समाज के लोगों से मैं वही तो कह रहा हूँ सर, अभी थोड़ी देर पहले आप भाई बता रहे थे और अभी उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। धर्मवीर जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा। दूसरी बात आपको 2000 रुपए में बीजेपी के लोग क्या बात कर, देश के गरीबों का वोट खरीदना चाहते हैं, ठीक है। राहुल गांधी कहते हैं हम 72,000 रुपए देंगे। मैं आपके चैनल से, चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि आप किसान की आय का सही उपज सही दाम दे दीजिए, उसको आपके किसी भीख की जरूरत नहीं है। ये देश के लोग, लोगों को भ्रमाना, ये कांग्रेस के और बीजेपी के लोग करते हैं। कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया है, वहां पर आपके विधायक उसे समर्थन दे रहे हैं। घाट से आदमी घाट पर जाता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। कह रहा हूं सर, दिखाने का चेहरा अलग, जमीन तलाश है उत्तर प्रदेश में। आपका चेहरा दो तरीके से दिखता है सर, सुनिए। जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां कर्ज माफी का वादा किया गया है, वहां पर आप समर्थन दे रहे हैं। सैफ खान मैं आपके पास लौटूंगा, नाइट लारी का एक मिनट। धर्मवीर जी और सैफ खान नीतियों से ये गांव गरीब के लोग पांच सहयोगी नहीं है। फिर बता दो, मायावती तीन बार आपको नकार चुकी है, भाव में आपके खिलाफ बोल रही है, फिर भी आप सहयोगी बता रहे हैं। गोद मजाक जाने की मजबूरी आपकी, ये देश की जनता देख रही है। नाइट लारी खान मैं आपके पास आ रहा हूं, और आपका भी घोषणा पत्र आया था, उसमें भी पैसे देने की बात की गई और कहा कि संपत्ति पर कर लगाया जाएगा, तमाम तरह का जिक्र उसमें कई बातों का किया गया। लेकिन आज ये संकल्प पत्र आया जहां पर 75 संकल्प लिए गए हैं, क्या लगता है आपको पूरे हो जाएंगे ये? देखिए, हमारा विजन डॉक्यूमेंट आया था, सबसे पहली बात समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आया, विजन डॉक्यूमेंट पत्र आया है। दूसरी बात, जो 2014 का बीजेपी का जो घोषणा पत्र था वो लिस्ट बहुत लंबी है, 125 वादे हैं जो इनके अधूरे हैं, जो इन्होंने पूरे नहीं किए। खैर, अगर मैं वो लिस्ट पढ़ने जाऊंगी तो बहुत लंबी है लिस्ट और डिबेट खत्म हो जाएगा। अभी मनीष जी बात कर रहे थे 370 और 25 ए आर्टिकल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पीडीपी को ठोकर मार दी, तो इनकी जानकारी के लिए मैं इनको आज बताना चाहती हूँ कि आज इनके गठबंधन के साथी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि वो आर्टिकल 370 और 35 ए का विरोध करते हैं और वो इनके साथ इस विचार के नहीं है और वो बीजेपी को इस बात से सहमत नहीं है 370 हटाने की और 35 ए को हटाने की बात से सहमत क्या सोचती है मैडम इस पर? तो क्या भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को भी ठोकर मार देंगे? क्या नीतीश कुमार जी ने खुलेआम भाजपा की बेइज्जती की है, इनके संकल्प पत्र को, इनके 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 पत्र का सम्मान नहीं किया है? इनके गठबंधन के साथी ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि आई डू नॉट एक्सेप्ट, कि हम धारा 370 और 35 ए हटाने की बात मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। बिल्कुल, उनका तो पक्ष आपने बता दिया, बीजेपी का आपने जान ही लिया, आपका भी पक्ष बता दीजिए 370 पर। क्या पक्ष बता दूं 370 पे भाई, कि आपको हटाना है कि रखना है कि उसको बात करनी है, क्या है आपका पक्ष? बीजेपी, अरे
भाई ये तो बीजेपी वाले समझे, बीजेपी वाले उन्होंने तो कह दिया ना कि हम तो हटाने के लिए प्रतिबद्ध है, लिखा हुआ है कि हम तो हटाएंगे। क्यों नहीं हटा दिया धारा 370? क्यों नहीं हटा दिया 35A धारा? यानी आप भी चाहती हैं कि हटना चाहिए वहां से? भाई अब ये बताएं कि नीतीश कुमार जी पर ये लोग कार्रवाई करेंगे, ये गठबंधन से हटाएंगे उनको? इन्होंने अपने गठबंधन को मनीष शुक्ला जी भी नहीं की। और एक मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आपसे सभी ये कह रहे हैं, जितनी भी पार्टियां, आपका जैसे घोषणा पत्र आया ट्विटर पर भी कई पार्टियों के अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि 5 साल का हिसाब देना चाहिए था, ये तो नए वादे लेकर आ गए आप। अजी कुछ किया होगा तभी तो लाएंगे कोई चीज। मृदुल जी देखिए, सिर्फ हवा में बात करने वाली सरकार है। मृदुल जी देखिए, जिन्होंने हमारा घोषणा पत्र संकल्प पत्र पढ़ा नहीं, वो ये बताइए ना एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या है। संकल्प पत्र में विस्तार से बताया है, आवाज नहीं हमने आई। कितना रोड मैप के अनुसार कितना हम आगे बढ़ चुके हैं, 24 तक कितना बढ़ेंगे, 2-3 सवालों का जवाब देना चाह रहे थे। आपने पूछा है बीएसपी के साथी ये भी हमारे संकल्प पत्र पे तमाम सवाल खड़ा कर रहे थे। किसी भी राजनीतिक घोषणा पत्र पे सवाल रखा, उनके अच्छे दिन आ गए। देखिए अभी इसके बाद 23 मई के बाद इनको इसी सरकार बजानी है, इनको जनता यही काम देने वाली है, ये ताली ही बजाएंगे। क्योंकि जिनके साथ इनका गठबंधन है वो इनको इसी लायक छोड़ेंगे कि ये ताली बजाएंगे 23 मई के बाद। आयोग की रिपोर्ट को चौधरी जी आप समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए कि सरकार बनने के बाद, ब्रेक के बाद वापस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे और सवाल भी पूछे जाएंगे कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड कोई मांग रहा है तो कोई कह रहा है कि हमने 5 साल में ये काम किया है, हम और वादे करते हैं, क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे, वो कैसे होंगे, और अभी इस घोषणा पत्र को लेकर कितनी मुश्किलें सामने आएंगी। बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की, क्योंकि 75 संकल्प इसमें लिए गए हैं। अब कितने पूरे होंगे और कितने पूरे कर लिए गए हैं जो 2014 में किए गए थे वादे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रोहित अग्रवाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, आरएलडी के मेहमान है, हालांकि थोड़ा लेट हो गए। रोहित अग्रवाल जी, सबसे पहले आपसे ही जान लेता हूं, बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आ गया है, कांग्रेस का भी आ गया, समाजवादी पार्टी का भी आ गया है, आप हालांकि गठबंधन में लेकिन एक बेहतर नजरिए से आप तीनों को देखेंगे। देखिए मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने आज पुनः जनता को छलने का काम किया है और इनका घोषणा पत्र नहीं, ये ठग पत्र हम कहें तो ज्यादा बेटर है। 2014 का जो इनका घोषणा पत्र था आप उसको एक बार उठा के देखिए, 70% उसकी फोटोकॉपी करके आपने घोषणा पत्र के अंदर ले आए। इसका मतलब आपने खुद बता दिया कि 5 साल में हमने कोई काम नहीं किया। राम मंदिर का मुद्दा दोबारा इन्होंने दोहरा दिया, 370 का मुद्दा दोबारा दोहरा दिया, रोजगार देने का मुद्दा दोबारा दोहरा दिया, शिक्षा का स्तर सुधारने का मुद्दा दोबारा दोहरा दिया। तो आपने 5 साल में किया क्या है, जनता ये भी तो पूछेगी। जब आपको 5 साल आपने कुछ किया ही नहीं है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया नहीं, अब ये क्या कह रहे हैं साहब 2022 में रिजल्ट देंगे, हम अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। अरे भैया 2019 वाला तो रिपोर्ट कार्ड दे दो, जो 5 साल सत्ता की मलाई चाट के आए हो, जो 5 साल आपने सत्ता की मलाई चाटी है उसका रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? उसका रिपोर्ट कार्ड देने के लिए क्या कांग्रेस आएगी या राष्ट्रीय लोकदल आएगा? 5 साल आपने कोई भी काम नहीं किया और बिना काम किए आप दोबारा चुनाव में आते हैं और आप ऐसे लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी रिजल्ट आया नहीं है, 23 मई बहुत दूर है, जनता आपको नकार चुकी है पूरी तरीके से। आप कह रहे हैं 2022 में हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे अपना। कुछ पॉइंट ऐसे हैं और मनीष शुक्ला जी, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कवर पेज बदल दिया। पहले जहां अटल थे, आडवाणी थे, राजनाथ सिंह थे, मुरली मनोहर जोशी थे, मनोहर पर्रिकर साहब थे, या डॉक्टर रमन सिंह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, सुषमा स्वराज थी, इस बार कोई नहीं था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो और बाकी सब वही पुराने वादे। एक वादा और है सर, राम मंदिर का। सभी संभावनाओं की तलाश करेंगे, किस किस की तलाश करेंगे सर? कहाँ लोकसभा में बिल पारित किया,
क्या ऑर्डिनेंस लेके आए तीन तलाक की तरह या परमिशन तो लेके शुरू करने तो दी। भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर गिरवाने वाले हैं, मंदिर बनवाएंगे। चलिए पांच साल में कौन सा मंदिर बना दिया बता दीजिए। सभी राज्यों के सभी लोकसभा, मैं बताऊं, हमारा क्षेत्रों से हमने जनता से राज्यों के सभी लोकसभा, मैं बताऊं, हमारा क्षेत्रों से हमने जनता से राय शुमारी मंदिर 2012 में बना, 2012 देश की जनता। लक्ष्मण, आप कब राय शुमारी करते हैं? आप तो मन की बात सुनाते हैं, जनता के मन की बात कब सुनते हैं? एक मिनट सैफ खान, मैं आपको समय दूंगा सर, वो लोग कम से कम मेरे को आवाज तो आने दीजिए उनकी, क्या बोल रहे हैं मैं भी तो सुनूं कम से कम। मनीष शुक्ला जी, निश्चित रूप से फिर वो लोग जो लोग पिता पुत्र की पार्टी है, पिता पे अरे पिता पुत्र आप क्या बहुत सारे हैं, उनको ढूंढने से राय शुमारी मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिनके आशुतोष टंडन, लालजी टंडन, गोपीनाथ बुड्ढे, उनकी बेटी, आप क्या पता नहीं कितने पिता पुत्र और पिता पुत्री है। आप पूछे ना इनसे क्या जवाब दिया सर। मनीष शुक्ला जी, राम मंदिर पे बता दीजिए सर, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। लोग पिता पुत्र की पार्टी चलाते हैं, राय शुमारी से क्या लेना देना, जनता की नब्ज से क्या लेना देना। अरे पांच साल मन की बात करने वाले आप जनता की आवाज क्या सुनोगे? सवाल वो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए अभी कह रहे थे ना मलाई मलाई, तो मलाई आपके अरे पीडीपी के साथ गठबंधन करने वाले देशद्रोही लोग देश की बात कर रहे हैं। अब चौकीदार आ गया है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और देश की जनता के देश के युवाओं को आप चौकीदार बनाने का काम करेंगे। देश की जनता को आप चौकीदार बनाने का काम करेंगे। पहले आपने युवाओं से पकौड़े भी खुवाए, फिर आपने पंचर बनवाया, अब आप युवाओं को चौकीदार बनाना चाहते हैं। आप चौकीदार चोर है, पूरी जनता जानती है, और अब तो जनता की किक कह रही है चौकीदार चोर है। आप सत्ता की भलाई चाहते हैं पीडीपी को, उम्मीद मैं यही करता हूँ। रोहित अग्रवाल, जिस तरह से टेलीविजन पर आप अपना पक्ष रख रहे हैं समाजवादी पार्टी और बसपा से आगे होकर, आपके पोस्टर को भी ऐसी जगह अगर गठबंधन में मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता सर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसे आप पक्ष रख रहे हैं वैसे ही आपका गठबंधन में पोस्टर लगना था सर नोएडा में, हालांकि अजीत सिंह को पोस्टर से बाहर कर दिया है। चलेगी अब हिटलर चाहिए नहीं चलेगी, एक सेकंड, अब जनता के मन की बात चलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, रोहित अग्रवाल जिस तेजी के साथ और जिस प्रखरता के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं, अगर अजीत सिंह का नाम भी पोस्टर में आ जाता या फोटो लग जाता तो बड़ा अच्छा रहता। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं उससे पहले धर्मवीर जी का कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि मायावती कह रही है कि जितनी कोशिशें की गई थी 2014 में, जितने वादे किए गए थे, एक भी पूरे नहीं हुए। सर आप भी अपना कोई मैनिफेस्टो जारी करेंगे क्या? हालांकि आप करते नहीं है। मई को इस भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मई को इस देश का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। एक दलित की बेटी इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेगी। बहन कुमारी मायावती जी इस देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन क्या आप इसमें रहना चाहते हैं? आप तो कहते हैं हम राजनीति नहीं करते जातिवाद की। कौन जातिवाद की, कौन इसमें जातिवाद कहां से आ गया? सर आप अगर नाम का जिक्र लेके करेंगे उसका मतलब क्या समझूं मैं? क्या इस देश में दलितों को प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है? मैंने मना नहीं किया सर, हक है। इस देश में एक राष्ट्रपति दलित है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ यही पैमाना होता है। मैं धर्मवीर जी आपसे मैंने पूछा कि आप मैनिफेस्टो लाते नहीं है, क्या आप समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे? आप मुझे प्रधानमंत्री का बता रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष को पढ़िए। आपने जो बाबा साहब किया है सर संघर्ष, आप मुझे कोई तस्वीर दिखा दीजिए मायावती की जो संघर्ष करती हुई हो दलितों के लिए सड़क पर, बताइए धर्मवीर जी। आपके पास अगर कोई तस्वीर हो मायावती की सर, धर्मवीर जी आपके पास कोई मायावती जी की तस्वीर है सड़क पर संघर्ष करते हुए दलितों के लिए? क्यों नहीं है बताइए? कहाँ है? बहुत सारी बताइए, कहाँ है तस्वीर है बताइए, कहाँ है हमारी मायावती जी ने बताइए कहाँ है? अरे मृदुल जी आप बहन जी के संघर्ष को देखिए, मानवर का देखिए सर, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इतना संघर्ष बताएंगे मुझे और उन्नतवादी ताकतों को हराने के लिए आज भी बहन जी मैदान में है। 80 की 80 सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही हैं। पूरे 80 सीटों पर जो 37 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं वहाँ पर भी बसपा लड़ रही है। दिख रहा है सर 80 सीटों पर 37 पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 38 पर आप लड़ रहे हैं, 3 पर ठीक है। मैं नाहिद दारी खान आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या 80 सीटों पर मायावती ही लड़ रही हैं? अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे?
वो हमारे गठबंधन का हिस्सा क्यों? एक मिनट पूछ लेता हूं सर। अरे भाई क्यों नहीं? अरे अब उनको उनको शब्द भी देंगे क्या सर आप? उनको अपना पक्ष तो रखने दीजिए। नाइद लारीकांत जी, क्या 80 सीटों पर सिर्फ मायावती लड़ रही हैं? अखिलेश यादव पीछे हैं क्या? गठबंधन में हम सब साथ हैं तो बिल्कुल 78 सीटों पे हम सब लड़ रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, हम सब लड़ रहे हैं। जितना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सीटों पे लड़ रही है उतना ही सपा लड़ रही है, उतना ही रोहित अग्रवाल जी 78 सीटों पे हर पार्टी लड़ रही है। जब हम गठबंधन में तस्वीर नहीं लगी आपकी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, बिल्कुल तस्वीर लगी। अरे सर तस्वीर भी नहीं लगी सर, मुझे लगता है आपने तस्वीर भी नहीं लगी सर। मैंने नहीं कराई, रैली नहीं देखी, दोबारा जाइए वहाँ की तस्वीरें देखिए, दोबारा जाइए वहाँ की तस्वीरें देखिए। हर व्यक्ति का, हर गठबंधन हर व्यक्ति का उतना ही सम्मान हुआ है। मैं तो हंस रहा हूँ सर, मुझे हंसी आ रही है कि आप इतनी पैरवी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं लगाई सर। मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। नाहिद लारी खान आपका कमेंट, उसके बाद में सैफ खान के पास जाऊंगा। नाहिद लारी खान अपना कमेंट रख दीजिए। अरे हमारे यहाँ आडवाणी जी को डाटा नहीं जाता है, आडवाणी जी का स्वागत करते हैं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं एक मिनट नाहिद लारी खान से पूछ लूं, क्योंकि मैनिफेस्टो की बातें ऐसे ही इधर उधर हो जाती हैं। जी नाहिद लारी खान जी, जी। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं मैडम? सवाल तो मैं फिर दोहरा देता हूँ। सवाल तो धर्मवीर जी कह रहे हैं 80 सीटों पर मायावती लड़ रही है, अखिलेश यादव क्या पीछे चल रहे हैं? यही पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, सभी पार्टी, तीनों पार्टी, सपा बसपा आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रही है सर। ये पार्टी जो है समान विचारधाराओं की पार्टी है, और इसमें जो है गरीब, किसानों, मजदूरों, दलित, पिछड़ों की ये पार्टी प्रतिनिधित्व करती है। क्या मैडम हम कल से एक ही किसी व्यक्ति को बुलाएं प्रतिनिधित्व करने के लिए कि कैसे दलितों और पिछड़ों की पार्टी है? हाँ, क्या हम अलग अलग प्रतिनिधि? बिल्कुल, आप गठबंधन की तरह से एक प्रतिनिधि को बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप गठबंधन की तरह से एक प्रतिनिधि को बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रोहित अग्रवाल जी लारी हो गए। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी से कर लिया तो नहीं, नहीं, आवाज में इतना डिस्टर्बेंस, इतना डिस्टर्ब करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने सवाल किससे पूछा? इसलिए तो कह रहा हूँ सर, मैं डिस्टर्बेंस चाहता भी नहीं हूँ। नाहिद लारी खान, अब मैनिफेस्टो पे भी आ जाता हूँ मैं। मैनिफेस्टो में आपने कहा कि हम 3,000 रुपए महिलाओं को देंगे, उसके बाद आपने कहा अपने मैनिफेस्टो में कि हम जो संपत्ति है, जिनकी ज्यादा संपत्ति है उस पर कर लगाएंगे, और इस मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है कि हम सभी किसानों को सम्मान निधि का लाभ देंगे, पेंशन दी जाएगी छोटे सीमांत किसानों को। नाहिद लारी खान, नाहिद लारी जी आप सुन पा रही हैं? मैं कोशिश करूंगा आप तक मैं पहुंचने की एक बार फिर। मैं सैफ खान से कमेंट ले लेता हूं, अगर आपको आवाज आ रही हो तो जवाब दे दीजिए। पैसे आप भी बांटने की बात कर रही हैं, इधर भी पैसे देने की बात कही जा रही है। किसानों को पैसे बांटने की आप भी बात कर रही हैं, वो भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी तो किसानों का, बीजेपी के सरकार में इतना अपमान हुआ है। दिल्ली में किसान लोग कितना, पहली बार इतना आंदोलन किया है किसानों ने, और बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी ने उनके ऊपर डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, तो किसानों का तो बहुत दुर्दशा रही है बीजेपी सरकार में। तो किसानों के लिए बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, बल्कि 40% इजाफा हुआ है आत्महत्या में। मनीष शुक्ला साहब, किसानों के लिए कुछ किया नहीं आपने, आते आते पैसे अलग बांट दिए। मृदुल जी, पैसे बांटने से सब कुछ हो जाएगा क्या? बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर आपके पास कोई डेटा हो जहां 40% आत्महत्या में इजाफा हुआ यूपी में किसानों में, देता हूं। जरूर अभी मैं देता हूं, देख के एक बार हमको बता दीजिएगा। मैं दूं? ये डेटा है भाई, मैं दूं? मृदुल जी, मैं दूं? मृदुल जी, तो जब किसी को, किसी ने न किसी का घोषणा पत्र पढ़ा, न संकल्प पत्र पढ़ा, और एक एक दिलचस्प बात बताऊं मैं आपको कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन में केवल समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। मायावती जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस विजन डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानती हूँ। अर्थात लखनऊ में घोषणा पत्र जारी हो रहा है, लेकिन मोहनलालगंज में घोषणा पत्र नहीं है इनका।
ये महागठबंधन इनका है। अरे तो महागठबंधन पार्टी है और बहन जी धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर चौधरी जी, आप तो बस एक एक एफिडेविट ले लीजिए सपा से अखिलेश यादव से करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे कुछ तो सम्मान करिए महिलाओं का, कुछ तो सम्मान करिए महिलाओं का, कुछ तो सम्मान करिए मनीष शुक्ला जी सब महिलाओं का। फिर से गेस्ट हाउस काउंट तो नहीं करेंगे अखिलेश यादव के लोग, क्योंकि सम्मान तो हम ही ने बचाया था। ये सम्मान है महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। इस तरीके से आप बुला चुके हैं काम कर रही पार्टी को, इतनी टेंशन क्या है? तब मायावती जी सुरक्षित बची थी, धर्मवीर चौधरी इस बात को याद रखिएगा। सर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सीटें बढ़ गई, सीटें बटने के बाद साझा रैली हो गई। आप कहने लगे सीटों पर पेज फंसेगा, इस पर फंसेगा, गेस्ट हाउस कांड है, उनको लड़ने दीजिए ना सर। आप मुझे अपना मैनिफेस्टो को बताइए, 5 साल में राम मंदिर और 370 क्यों नहीं हट पाए? गोल गोल इसीलिए घुमा रहे हैं। एक मिनट रोहित अग्रवाल जनता के सामने इन्होंने, नहीं सर एक मिनट प्लीज, मनीष शुक्ला जी बहुत छोटा कमेंट, इसके बाद सैफ खान आपके पास आ रहा हूँ। कोई नई बात नहीं है, उसके पहले भी 7 चुनाव योग लड़े थे। अरे गेस्ट हाउस कांड के लिए जब बहन कुमारी माया, अरे आज भी मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव के ऊपर मुकदमा है उस केस में, हर वक्त रोती रहती है भाजपा, रोना रोना नहीं जी, पता कर लीजिए हजरतगंज थाने में आज भी मुकदमा कायम है शिवपाल यादव। अरे घोषणा पत्र में क्या कुछ नहीं है क्या? आपके घोषणा पत्र में कुछ नहीं है क्या? आपके घोषणा पत्र में आप खुद सिद्ध कर रहे हैं झूठ का पुलिंदा है घोषणा पत्र। आप तो बिना मान मान मैं तेरा मेहमान, सुनिए सुनिए झूठ का पुलिंदा है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, इतना मैनिफेस्टो पर ही मैं टिकना चाहता हूँ थोड़ी देर। चुनाव से पहले मैनिफेस्टो की बातें कही जाती हैं, लेकिन ये होता कि चुनाव के बाद उसी मैनिफेस्टो को लेकर भी पूछा जाए कि कितना काम किसने किया है। सैफ खान मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपने कहा कि बहुत सारी बातें फोटोकॉपी कर दी गई हैं 2014 के और 2019 के मैनिफेस्टो की देखे जाए बीजेपी की। बिल्कुल सर, मेरे पास कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो है, मैंने उसे भी बड़ा ध्यान से पढ़ा। बिल्कुल, और उसमें भी मुझे कई सारी ऐसी चीजें दिखी, चाहे शहर बनाने की बात हो, हालांकि आप नहीं जीते 2014 में, लेकिन आपने जो वादे किए थे वही वादे 2019 में भी किए गए। सुनिए सुनिए, क्या वादे ही कही जाएंगे यहाँ पर? सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं, चैलेंज कर लेते हैं। चलो एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या, किसानों की बात कर रहे थे आपने 2014 में मैनिफेस्टो में लेके आए थे और बोला था 50% मूल समर्थन बढ़ाएंगे, उनकी लोन माफी करेंगे। जीतने के बाद ही हलफनामा जमा कर दिया कि हमारी सिर्फ चुनावी घोषणा था, यानी लोन माफी की बात। आज 12,000 किसान एक साल में सुसाइड कर लेता है। 80% वो किसान जो लोन की वजह से, पूछिए सैफ अली खान से, सुनिए सुनिए, 2014 में कितनी थी आज कितनी है? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या है, विकास दर बताइए सैफ अली खान, 2014 में क्या है? मैं बता आप बताओ, हमारे टाइम पे आप बताओ कि हमारे टाइम 2014 में हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था थे, 11वीं पे आज 5वीं है, आज घट आप बताओ जब ट्वीट में हम कितने पैदान आगे बढ़े हैं, नहीं हो गया है, आप बताओ हो गया नहीं हो गया एयरपोर्ट थे 2014। अरे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या है साहब, बताइए ना कि आपने कितने घर बनाए? अरे साहब अरे घर बना गए, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, घर भी बताऊंगा। सुनिए घबराइए मत, घबराइए मत, मुझे बताइए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या है? आयुष्मान भारत लेकर बेहतर रहेगा। सुनिए आपके आपके सवाल मौका चाहूंगा, एक मिनट, कुछ आंकड़े बता रहे हैं लेके आए बड़ी मेहनत से, सुनिए सुनिए साहब सुनिए मैं, अच्छा जी आप आ जाइए एजुकेशन पे, आ जाइए सुनिए पढ़ाई लिखाई पे, आ जाइए गांधी घोषणा की बात करें, सुनिए आज हमारी सपा की बहन खान बहुत सुनिए कुछ कर रहा हूँ मैडम, आपसे आपके साथी हैं, हालांकि इस बार चुनाव मैदान में आपके साथ नहीं है, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं, कंप्लीट करें उसके बाद रखूंगा मैं, सबको पता है जवाब नहीं मिला। मृदुल जी मैं ये भी पूछ रहा हूँ, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पे जवाब नहीं मिला, हमारे टाइम पे 5.6% था, आज 2.1% है, ये बोलते नहीं। खैर एजुकेशन पे आ जाइए, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो पढ़ाई लिखाई होती थी पहले कितनी होती थी? सुनिए जवाब दे, जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, इसकी जीडीपी क्या है बताइए, मैं बताऊं, हमारे टाइम पे 10.8% तीन बार छू चुकी थी, आज 5 साल बाद क्या है, कितनी है बताइए, सड़के आप आवाज नहीं आई, आप 2013 में हम लोग थर्ड
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, 4.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी हमारी, बताइए ना कितनी जीडीपी, जीडीपी कितनी है? नहीं बताइए, जवाब नहीं देंगे, एजुकेशन पे हम बात कर रहे थे, सुनिए एजुकेशन पे सुन लीजिए, घबराइए मत, घबरा गए, शौचालय बनाए, शौचालयों पे आ गए, मैं एजुकेशन पढ़ाई पे पूछ रहा हूँ भाई, पढ़ाई पे पूछ रहा हूँ, घबरा गए, अरे कितनी स्मार्ट सिटी बनी हुई है, बता दीजिए, पढ़ाई लिखाई में बताएंगे नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, चलिए मैं बताता हूँ, मैं और बताता हूँ आपको, पढ़ाई लिखाई पे 4% फीस लगा के और पढ़ाई लिखाई महंगी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वापस आ, एक मिनट, नाइस तारीख, नाइस तारीख, नाइस तारीख, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए थोड़ा सा सच्चाई है, पढ़ाई को लेकर भी मैनिफेस्टो में, एक मिनट, पढ़ाई को लेकर मैनिफेस्टो में बात कही है, एक मिनट, नाइस तारीख, शिक्षण संस्थानों में सीटों की बढ़ोतरी होगी, जो लॉ के कॉलेज है वहाँ पर सीट बढ़ाई जाएगी, ये आज का मैनिफेस्टो है, मनीष शुक्ला जी, 50 करोड़ का बजट निकाला था, घर से लिख के नहीं लाया, 50 करोड़ का बजट निकाला था, मैं इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, सैफ खान कंप्लीट करें अपना पक्ष, सुनिए सबसे पहले तो ग्रांट कमीशन की, जो ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटी को देखता है उसका बजट जहाँ 10,000 करोड़ था आज घटा के 4,000 करोड़ कर दिया, 4% सेस लगा दिया है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो 4.5% रहा करती थी आज 3.71% कर दी है, शर्म आनी चाहिए, आप बताइए, शर्म आनी चाहिए, 2014 में आपने कितने आवास, हिम्मत है तो बताइए, एक मिनट, कितनी परसेंट जीडीपी ग्रोथ है, एक मिनट, कितने परसेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ है, आप दोनों को बताओ कितनी जीडीपी कंट्रीब्यूशन थी आपकी पढ़ाई पे, दर्शकों को भी बता दे, सैफ खान 7.8% है, आप आइए मैं बता देता हूं, सुनिए मैं बता देता हूं सर, मेरे पास देखो चाहते हैं, मैं बता देता हूं, मैं कंप्लीट कर दूं, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7.2%, इनसे पूछिए, सुनिए, और 2018-19 की बता रहा हूं, एवरेज 7.6% ऑन एन एवरेज रही है इन 10 इयर्स में, और हायर फ्रॉम 6.5% जो आंकड़े मिलते हैं वही मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मेरी तो जुबानी है साहब, आप तो पढ़ के बता रहे, मैं जुबानी बता देता हूँ, सुनिए, और कई मत सर लिखा हुआ ज्यादा मानते हैं ना हमारे देश में, सिग्नेचर भी किए जाते हैं, सील छप्पा लग जाता है, इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ, किसकी बात कर रहे हैं मित्र जी, चलिए बता दीजिए, जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, मैं आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आप दोनों तो आंकड़े बता नहीं रहे, कम से कम मैं तो आंकड़े बता दूं जिसको लेकर ये बहस चल रही है, मैं तो आंकड़ों पर ही बात करता हूँ, ये क्या बात कर रहे हैं, ये सर जुमलेबाज बैठे धर्मवीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पेड़ों के दरार से घुमा रहे, ठीक है, अगर वो आंकड़ों को घुमा रहे हैं तो ये आंकड़े कैसे घूमते रहेंगे, जैसे मुद्दे चुनावों में घूम जाते हैं, क्या ऐसे घूमते रहेंगे धर्मवीर जी, बिल्कुल नहीं, मैं मौका चाहूंगा, पहले मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सैफ अली खान, एक सैफ खान, मैं आ रहा हूँ, धर्मवीर जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैंने 10 सवाल पूछे हैं, 10 का जवाब मैं देता हूँ, मैं सवाल भी कर रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, मनी जी केवल एक आंकड़े में आ गई थी कांग्रेस, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लगा था, जो कांग्रेस के लोग फेल हुए, और ये जो मनुवादी लोग हैं ये सत्ता में आए, वो कौन से कारण थे, वो कौन से कारण थे, ये कांग्रेस का फेल था, आपको लगता है कांग्रेस फेल ही होगी, जैसा मायावती कह रही है, बीजेपी के लोग सत्ता में आए, कांग्रेस बीजेपी फेल होगी, धर्मवीर जी लूटने का काम, धर्मवीर जी कांग्रेस बीजेपी फेल है आपकी नजर में, जैसा मायावती कह रही है, कांग्रेस बीजेपी फेल है, आप लोग जो है देश को बारी बारी से गुमराह करने का और लूटने का काम ना करें, आप मुझे अगर ये कांग्रेस के लोग गरीबों की बात करते, किसानों की बात करते, 140 सत्ता नहीं जाती, इनसे ऊपर लेके आए, ठीक है, बता दीजिए आप कितने लोग लेके आए, चलिए मैं एक स्पेशल पॉइंट रख रहा हूँ इस पूरी डिबेट का, क्योंकि आज मैनिफेस्टो में एक मिनट मैनिफेस्टो में तस्वीर भले प्रधानमंत्री मोदी की थी, नाम बदल गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत से संकल्प भारत, सशक्त भारत हो गया, लेकिन इन सबके बीच सबसे ऊपर रखा गया राष्ट्रवाद, हमारी पूरी प्रतिबद्धता है इसके लिए, ऐसा कहा गया है। एक छोटा कमेंट रोहित अग्रवाल आपका ले लेता हूं इस पर, क्या आपको लगता है राष्ट्रवाद प्रतिबद्धता है, यानी राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी ऐसा सोचती है? मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उसके बाद मनीष शुक्ला जी आपके पास आऊंगा, मैं राष्ट्रवाद जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, मैं सिर्फ छोटा सा उसका चेहरा दिखा देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का।
आतंकवादी पार्टी कहने वाले पीडीपी के साथ तीन साल तक सत्ता चलाने वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पांच साल के कार्यकाल में जितने सैनिक शहीद हो गए उतने सैनिक अगर हम सिर्फ युद्ध छोड़ दें, भारत के युद्ध छोड़ दें, 65-71 और कारगिल युद्ध अगर छोड़ दें, तो इतने सैनिक आज तक कभी शहीद नहीं हुए जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शहीद हो गए। अब ऐसी कंडीशन में आप किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की मां को सम्मान देने वाले नरेंद्र मोदी किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? जिन्ना की मजार पे चद्दर चढ़ाने वाले किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? मैं एक बात और कहूं, एक बात और मिथुन, पांच सेकंड लगता है कि आप इससे जीतेंगे चुनाव। एक मिनट रोहित अग्रवाल, मैं आऊंगा सर, मेरे पास समय बहुत कम है, एक एक मुद्दे पर बात कर लेते हैं। राष्ट्रवाद सबसे ऊपर रखा है, सबसे आखिरी में उसकी बात की है मैंने। मनीष शुक्ला जी, राष्ट्रवाद सर आपकी पूरी प्रतिबद्धता के साथ सबसे ऊपर रहा और मैं तो यूं कहूंगा कि सर हाईलाइटेड रहा पूरे घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में, तो इसी के बल पर वोट चाहिए क्या? नहीं तो टेररिज्म रैंकिंग बढ़ गई। एक मिनट सर, राष्ट्रवाद देखिए, मैं तो इस बात के लिए निश्चित रूप से स्वागत भी करता हूँ। देश में राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा विषय होना चाहिए चुनाव में, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा विषय होना चाहिए और चूंकि उनकी कलाई खुलनी चाहिए, जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो सरकारों में रहते हुए को पता है कि नहीं पता है। अगर मुद्दों की इतनी चिंता है तो घोषणा पत्र ले आइए ना, इतनी चिंता है अगर मुद्दों की धर्म की तो घोषणा पत्र ले आइए। आपसे पूछते घोषणा पत्र का, आपके ना संविधान पर है, संविधान में तो नहीं लिखा इंसान मर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ धर्मवीर जी, अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो कम से कम घोषणा पत्र तो ले आइए। जवाब और 130 पार्टी मीटिंग में जिसमें सोनिया जी से लेके सभी लोग थे उसमें तय हुआ था, और मुलायम सिंह यादव भी थे, लेकिन कचहरी बम विस्फोट के आतंकवादियों को अखिलेश यादव जी ने सीढ़े तोड़ छोड़ने की बात की। सर मैं देखिए दोनों के लिए समझ पाता हूँ चीजें, नाइद लारी खान आप अपना पक्ष रखें, मुस्लिम को नागरिक नहीं है धर्मवीर, जैसे मायावती जी को स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया उनके भाषण पर, कहीं आपका अगर यहाँ पर भाषण देख लिया टीवी पर तो शायद आपको भी नोटिस आ जाए। बात नहीं की, घोषणा पत्र जारी नहीं, उन्होंने तो सीधे मुस्लिमों के वोट मांग लिए। देखिए स्वतः संज्ञान लेकर डीएम से रिपोर्ट मांगी है सर चुनाव आयोग ने, मैंने नहीं मांगी सर। ये जो अल्पसंख्यकों के हितों की बात करेगा, जो दलितों के अल्पसंख्यकों के वोटों के बटने की बात करेगा उसे नोटिस मिलेगा। ये देश, मैं वही कह रहा हूँ सर, जो अल्पसंख्यकों के वोटों के बटने की बात करेगा उसे नोटिस मिलेगा। इसलिए सोच समझ के बोलिएगा थोड़ा। नरेंद्र मोदी, आपने बैंक के बैंक खाली कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया, आपने कितने जवाब दीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसका घोषणा पत्र कितना सच्चा है और किसका कितना झूठा है, बात इस पर टिकी हुई है। फिलहाल तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्थिति आप खुद देख रहे हैं, जिस तरह से अभी हमने देखा है कि तमाम घोषणा पत्र आ गए हैं, तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र आ गए हैं और उसके बाद स्थिति अभी भी वही नजर आ रही है। अच्छा ये होता कि घोषणा पत्र को लेकर ही बात की जाए, किसका घोषणा पत्र कैसा है, सब एक दूसरे का बता रहे हैं, किसी का सच्चा है किसी का झूठा है, कोई झूठ बता रहा है कोई सच बता रहा है। अब आप तय करें कि किसका अच्छा है या किसने कितने वादे पूरे किए हैं और आगे जाके आपको अपना नेता या अपना सांसद किसे चुनना है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।